देखिए जरा सवेरे सवेरे 5 अरे बाप रे बाप, क्या पानी हवा, ओफ माय गॉड, अरे बाप रे, अरे माय गॉड, क्या पानी बरस रहा है, क्या हवा चल रही है, इट इज डरावना, ओ माय गॉड, इट इज डरावना, हम बता नहीं सकते आप। अरे बाप रे, दरवाजा बंद कर लेते हैं भाई फटाफट। सवेरे का टाइम है और टाइम है सवेरे के 5:30 और आपको दिखा रहा हूँ मैं जो पानी बरस रहा है, हालत देखिए। अरे बाप रे, सब पानी बरामदे में सब आ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे, दरवाज़ा बंद कर ले भाई क्योंकि हम दरवाज़ा खोल नहीं सकते हैं। भयंकर हवा चल रही है और भयंकर पानी बरस रहा है। कहता आज तो पता नहीं कितने पेड़ ही गिर रहे होंगे, पोल बिजली के, कहीं पेड़, कहीं कोई कुछ, कहीं कहाँ कुछ, और अभी भी हो रहा है। आज लगता कहीं ना कहीं काफ़ी नुकसान हुआ होगा, प्रभु आज बख्श देना, बचा लेना प्रभु सबको। सवेरे का आलम देखिए, अरे बाप रे, अरे बाप रे। तो इस पर अब हम जा रहे हैं बनाने चाय। तो ये हमारी आ रही है चाय बनाने की बारी। ये देखिए यहाँ इधर का आलम, अरे बाप रे बाप, ये कहीं ये पेड़ मेरा गिर ही नहीं जाए हमारे घर के पास वाला, और किसी के ऊपर गिर गया, किसी की कार वार पे गिर गया तो नुकसान बहुत होएगा। ये देखिए आलम, आलम देखिए पानी का। अब मैं करता हूँ आपसे सुप्रभात, क्योंकि देखिए भाई सवेरे की चाय बनाने का काम मेरा होता है। तो चाय मैंने पहले चढ़ा दी ऊपर, तो मैंने कहा अपने से दिखाने से ज़्यादा मैं आपको पहले दिखा दूँ कि कितना तेज़ मौसम एकदम चमका चमकी तेज चेंज हो गया है। और तो सवेरे की मैंने पहले ड्यूटी अपनी पूरी कर दी है, मेम साहब को जो है चाय बना के यहाँ पे पिला दी है। ये देखिए चाय पी रही है मेम साहब, हमारी चाय यहाँ रखी हुई है। तो मैंने कहा आप लोगों को बता दूँ कि अभी सवेरे के, अरे 7:45 बज गए, ओहो, कि मैंने कहा सवेरे के 7:45 बज रहे हैं और मैं आप लोगों को दिखा दूँ, देखो हालत क्या है। अच्छा बाहर का आपको दिख नहीं रहा क्योंकि अंदर लाइट चमक रही है, लेकिन अभी भी पानी झमाझम बरस रहा है और बरस हवा तेज झमाझम चल रही है। चलिए आप नोश फरमाइए, चाय पीजिए, गुड मॉर्निंग करिए, और क्या है। लो जी हम तो नहा के भी आ गए और तैयार भी हो गए मोटा मोटी। अभी बज रहे 9:15, 9:15 बजे जो है पानी कैसे बरस रहा, सुबह 6 बजे से पानी बरसना शुरू हुआ है। देखिए झमाझम अभी भी टिप 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 और अच्छा बरस रहा है, और ऊपर आप बादल देखिए क्या घूमड़ घूमड़ हो रहे हैं, इसका मतलब अब ये पानी आज रुकने वाला नहीं है, हो सकता कल भी बरसे। और जो फोरकास्ट दिखा रहा है नोएडा का वो ये है कि इस हफ्ते पूरी ठंड रहेगी। आज तो यार पानी इतना ठंडा था कि हमको लगा गीजर ऑन करना पड़ेगा, अभी ठंड भी लग रही है इस समय यार, हम मतलब इट इज़ फीलिंग लाइक एज इफ यू आर इन नवंबर दिसंबर, दिसंबर नहीं नवंबर तो है ही। आज बहुत पूरा दिन मौसम अच्छा था, फर्स्ट क्लास, बहुत ही मज़ा आया, और हम तैयार त्यार होकर बैठे रहे दिन भर, अपना ब्लॉग बनाते रहे, फिर सोचा चलो आज जाएंगे घूमने, फिर मूड बना नहीं, फिर लंच किया, फिर थोड़ा सा नींद आ गई, फिर सो गए, यही हो गया। अभी खाना खा के बैठे हैं, 8:30 बज रहे हैं रात के, खाना खा लिया, अब क्या करें, वो बैठे हमारे यहाँ पे ये हो रहा है, आप देखिए, ये देखिए साहब लोग बैठे हैं, देखिए आम तोड़ रहे हैं, आम तोड़ने वाले लोग बैठे हैं यहाँ पे, और आम देख लीजिए आप कैसा तोड़ा जा रहा है, ये है इनका आम, देखिए अंग्रेज लोगों को देख लीजिए आप ऐसे आम खाते हैं, है ना। तो ये है हमारी कहानी, दिन भर आज हमारा इतना अच्छा मौसम था लेकिन आज ऐसे ही निकल गया, घर से बाहर गए नहीं। चलिए आज का ब्लॉग बना बहुत छोटा सा बना है, लेकिन इसको आप याद रखिए कि हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हाँ हमने आज अपने ब्लॉग का मजेदार बात आपको बतानी भूल गए, यस आज हमने अपने ब्लॉग का नाम थोड़ा सा चेंज किया है, नाम हमने पहले रखा था लवली सर्ड, LOVELYSURD, तो आज हमने उसको चेंज कर दिया नाम को NITW दा व्लॉग, नीटू दा व्लॉग, उसमें टी नीटू में W है, तो हम उसको चेंज कर दिया। हमने कहा यार नाम चेंज करना चाहिए, कभी कभी कुछ कुछ चेंज करते रहो ताकि यू शुड मेक योर थिंग्स लकी। तो आपको अगर अपने ब्लॉग को लकी कैसे बनाना है, मतलब अपने ब्लॉग का नाम लकी कैसे बनाना है, तो उसके लिए ये है कि आप ऐसा करें कि जो अल्फ़ाबेट्स हैं आपके ABCDEF उसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबरिंग कर दीजिए, वो होता ही नंबर है कि भाई 26 अल्फ़ाबेट हैं, और आपने जो अपना नाम रखा है उसके नाम का समेशन जोड़िए,
उस समेशन को जोड़ करके फिर जो अगर कुछ मान लीजिए 153 आता है तो 153 को जोड़ के फिर 5 3 8 1 9 कर लीजिए 9, तो अब आप देखिए आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जो आपका डेट ऑफ बर्थ है अगर वो मैच कर जाए उससे तो ये आपके लिए वो नंबर लकी है क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ है। तो ऐसा अगर वो बन जाए तो आप लकी हो जाएगा, तो आप भी इसको करके देख सकते हैं। तो ये जो लकी नंबर था ये मैं अब आपको दिखाता हूँ कि मैंने कैसे कैसे कौन कौन से ऑप्शंस बनाए और उन ऑप्शंस में से फिर मैंने कैसे अपना नंबर जोड़े और वो मैंने कैसे फिर फाइनली सिलेक्ट किया। तो ये मैं आपको भी अपने ऑप्शन दिखाता हूँ अपने कंप्यूटर पे। तो देखिए सबसे पहले मैंने ABCD को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख करके उसके आगे नंबर लिख दिए ऐसे करके 126 तक, है ना। फिर मैंने कहा कि चलो मेरा जो प्रेजेंट नेम है वो है लवली थर्ड, तो L के ऊपर 12 क्योंकि L 12 का है, O पे 15 क्योंकि O 15 है, V 22 है क्योंकि V यहाँ से आपने उठाया 22 है। तो ऐसे करके मैंने लवली और फिर SURD में जोड़ा तो यहाँ 153 आया। अब इस 153 को अगर मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पे नीचे 1 + 5 + 3 तो ये आता है 9, तो 9 मेरे को सूट नहीं करता। फिर मैंने फर्स्ट ऑप्शन लिया वीरा द ब्लॉग, VEERA, V का 22, E का 5, E यहाँ से मैंने 5 उठाया, फिर E का 5, R 18 है क्योंकि R 18 है, मैंने ये उठाया, A का 1 उठाया मैंने, ऐसे करके मैंने किया। तो मैंने इसको सब जोड़ा तो ये आया 119 को मैंने जोड़ा तो आया 1 + 1 + 9 = 11 = 2, तो 2 मेरा ऑप्शन है जो मैं चाहता हूँ, तो ये एक ऑप्शन हो गया मेरे पास। दूसरा मैंने ट्राई किया NITOO द ब्लॉग, इसमें मैंने फिर नंबर डाले ऐसे करके जो आप देख रहे हैं और ये जोड़ करके आ गया 134 पे 1 + 3 + 4 = 8, 8 मुझे नहीं चाहिए तो मैंने 8 को छोड़ दिया, सेकंड ऑप्शन छोड़ दिया। थर्ड ऑप्शन मैंने पकड़ा NITOO और इसका ब्लॉग पकड़ा तो ये आया 146, इस पे आया 1 + 4 + 6 तो ये आ गया 2, तो ये मुझे कुछ ठीक लगा क्योंकि ये भी 2 आ रहा है। मैंने फोर्थ फिर एक और ट्राई किया, ये आप देख रहे हैं है ना, ये जाके 1 आया तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे 2 वाले, एक था ये VEERA द ब्लॉग फर्स्ट, दूसरा था NITOO द ब्लॉग सेकंड ऑप्शन था। मैंने इसको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया क्योंकि ये सेकंड इज़ दी माय डेट ऑफ बर्थ जो कि मुझे सिलेक्ट करनी थी, मुझे चाहिए थी, तो मुझे ये जम गया तो मैंने इसलिए इसको बना लिया। तो इस तरह से आप भी अपना जो भी ऑप्शन चाहें ढूंढ कर सकते हैं और अपना बनाइए, ये आपको लकी होगा और आपका यूट्यूब चैनल विल बी लकी फॉर यू एंड विल बी गिविंग यू गुड रिजल्ट्स इन परफॉर्मेंस और आगे भी। अगर आप अपने और कोई नाम वाम चाहें तो भी लकी कर सकते हैं। तो आज मैंने ये किया खुराफात, तो मैंने कहा चलो आपको बताता हूँ। तो इस तरह से आप अपने ब्लॉग के नाम को लकी कर सकते हो और इस बात पर जो हमने आपको बताई है इस पर हमारी बेगम साहिबा जो हैं बहुत हंसी, ऐसे देखिए बहुत हंसी, कहने लगी कि तुम पूरे कार्टून हो। अब ठीक है भाई, हम कार्टून है तो हैं, हमको क्या है, कुछ समय करना चाहिए ना कोई नई नई खुराफात करते रहो और सीखते रहो कुछ ना कुछ, भगवान तो है ही, ऊपर वाला अल्लाह और गुरु नानक देव जी और श्री राम और गणेश जी और विष्णु जी हमारे नहीं, शिव जी हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास एक बहुत बड़ी लक्ष्मी जी हैं, वो आप देखिए इधर, वो लक्ष्मी जी के रहते ही हमारा कार्य हो पाता, हमारा काम नहीं हो पाता। इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और अब आपसे मिलेंगे कल। हमारे ब्लॉग को करिए सब्सक्राइब और हमको रखिए खुश ताकि हम आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग बना के देते रहें। शुभ रात्रि।